कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगी रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूं अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिन रोल में नज़र आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली समसेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर समसेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानिका वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफात फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगी रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानिका वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिन रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यसराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली समसेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीय पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने फर्स्ट फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक की दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीय पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ा आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीरों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब पूर्ण दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफात फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर समसेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानिका वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफात फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिन रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिन रोल में नजर आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर खुँ दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यस राज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली समसेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीय पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर के फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह सौ दशक की दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीय पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आजा आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली समसेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रिफस फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूं अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अगरीफत फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीरों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वाणी वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज़ देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म समसेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगी रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफात फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकेत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेज़ों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नज़र आ रहे शमचेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर के फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर समसेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक दशक में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रू दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वो वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी कादा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं इस बीच अंग्रेज़ उनके खिलाफ हूंकार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई है कर्म से डकैत धर्म से आज़ाद आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणगीर रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तरे फिल्म बनने वाली को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने अग्रीफ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानिका वानी कपूर संजय दत्त भी नज़र आ रहे हैं लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी अठारह दशक की में दिखाई गई है फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं फिल्म की कहानी नामक के काल्पनिक शहर पर बेस्ट है इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है अंग्रेजों के जुर्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है ख़ास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है